AFTV के साथ मैं हूं अब्दुल्ला फ़ारूक। हम आज एक बार फिर एक बार स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। आज जो है वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है इस वक्त जारी है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आज हम खिलाड़ियों से इंटरव्यू करेंगे, देखते हैं कि आज कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर जाती है। कितना स्कोर किया आपकी टीम ने? हम लोगों ने 108। तो आपको उम्मीद है कि आपकी टीम जीत जाएगी? इंशाल्लाह, पहले भी हम लोग जीते हैं, फाइनल तक पहुंचे। और हमारी टीम ने पहले बॉलिंग किया और हमें 109 का टारगेट मिला है, तो वो हमने अचीव करना है। आपको लगता है कि आप यहाँ से ट्रॉफी जीत के जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर हम जीत के जाएंगे। कितना एक्सपीरियंस है क्रिकेट में? क्रिकेट का 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अंडर 17 PCB खेला हुआ है, अंडर 18 PCB खेला हुआ है। अब आगे भी इंशाल्लाह चांस मिलेगा जरूर खेलेंगे और इंशाल्लाह जरूर हमारे। मुश्किल कौन से पेश आएंगे क्रिकेट में? ये एक ऐसी गेम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और हमने भी बहुत स्ट्रगल करके काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। आपकी टीम कितना स्कोर किया? मेरे ख्याल में अभी 60 हो गया है और 40 के करीब बाकी है स्कोर। आपको लगता है कि ट्रॉफी लेके जाएंगी आपकी टीम? इंशाल्लाह बिल्कुल, अभी कोई भी विकेट नहीं हमारी ज़ाया हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगली टीम के पास चांस भी है जीतने का। तो कितना स्कोर हो चुका है अब तक आपकी टीम का? 60 हो गए और 40 के करीब चाहिए तकरीबन, और अभी 6 ओवर्स हुए और 60 हो गए। आप